बहुत सूखा है। बोले गांव का जो मंदिर है उस मंदिर में एक बड़ा बर्तन रखो, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त ना हो पाए महाराज, सूर्य ना उदय हो पाए, और उसमें सभी लोग दूध डालना, दूध से वो बर्तन भर जाएगा, पानी बरसने लगेगा। अब सब जने होशियार, आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, सच नहीं, ये दिल से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपसे अभी तक कहा कृष्ण जन्म पे कहा महाराज, तो इतनी खकैया, इतना गुड़ आया, इतना कसार, इतना दही आया, इतनी चॉकलेट, इतना सामान आया कि महाराज खूब लुटा, खूब बटा। जिस दिन भी आपसे जिसके लिए कहा हो, क्योंकि मैं फालतू की तारीफ नहीं करता हूं, आप लोगों ने जो देख लिया होगा, हाँ एक चीज आपकी गलती थी, अंगले से आप याद रखना, जब कभी भी यहां नहीं हम कथा करने आए ना आए, क्योंकि हम ये वचन तो नहीं दे सकते कि हम ही कथा करने, जब भी आपके यहाँ कथा हो, किसी की भागवत हो, और भागवत पुराण जिसके घर से निकले चाहे 1 रुपए का तिलक करना, लेकिन घर घर भागवत जी का तिलक होना चाहिए। ये कमी हमें इस गांव में लगी, इसलिए आगे से निवेदन है, आप कोई आपके चाहे वो परिचित के हो चाहे ना हो, यदि भागवत जी आपके दरवाजे से निकलती हैं तो आप उनका तिलक करें, सम्मान करें, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण है, भगवान कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति है, स्वयं साक्षात बिहारी जी आपके दरबार से आ रहे हैं, इसलिए ये चीज कमी थी, इसको पूरा करना, बकाया आप लोगों में कोई कमी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आज गुरुजी ने, हाँ बात कर रहे थे हम दूध की, तो अब सभी माताएं होशियार, बोले हम तो पानी डाल रहे हैं, दूध बगल वहीं डाल रहे हैं, यही बात सबको लगी, हम पानी डाल रहे हैं, दूध बगल वहीं डाल रहे हैं, महाराज सब जने पानी ही पानी डाल रहे हैं, दूध एक बूंद नहीं भर पूरी पात्र में। सुबह देखा महाराज पानी से पूरा भर गया। संत जी आप बोले महाराज जब इतना पानी है तुम्हारे ना तो का करने, इसलिए कोई भी काम हो, जैसे इस कार्यक्रम में बालकों ने वीणा उठाया, 4 बालकों ने, वो पूरा परिवार साथ हो गया एक शब्द पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं करना है या कैसे होगा क्या होगा, ये कथा 1 तारीख से होनी थी, लेकिन बोले महाराज पहले ही कर दो। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां, यही हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से कि ऐसे ही आपका परिवार आपस में प्रेम बना रहे। आज यहाँ पर गुरुजी ने भगवान से माफी मांगी, घर पर आए बच्चे मैया के गले से लग गया, मैया आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले एक संत जी मिले थे और उनने पूछा कि तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जब मैंने नाम बताया कि मेरे पिताजी का नाम श्री सुदामा जी महाराज है, तो बोले अरे सुदामा जी तो मेरे मित्र हैं और बाबा जी थे महाराज मैया, और वो थोड़ा सा दूध देगा मैया, इतना दूध निकला उसमें से, इतना दूध निकला कि पूरे पात्र भर गए। किन्नार हो जो आप, पूरे पात्र भर गया महाराज। अब तो सोचने लगे कि बाप प्रभु, अरे मेरे पति यदि तपस्या करते हैं तो आज उसका मुझे फल भी मिला है। भगवान ये सोचा कि अब देर नहीं लगाना चाहिए मेरे भक्त के ऊपर, मेरे मित्र के ऊपर बड़ा कष्ट है, इसलिए आज भगवान ने संत का रूप लिया, दरवाजा खटखटा, मैया मैया, सुशीला मैया ने जैसे दरवाजा खोला, प्रभु बोले मैया कुछ प्रसाद मिलेगा, कुछ भोजन प्रसाद ही मिलेगी। बोले महाराज मेरे यहाँ शोर है, शोर आपके यहाँ शोर है, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह नहीं हुआ, शोर किस बात की है? बोले प्रभु मेरे यहां गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, जब तक ये गरीबी रूपी पुत्री मेरे घर है जब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, जिस दिन ये गरीबी रूपी पुत्री का जो शोर है जो उठ जाएगी, उस दिन हम आपको कुछ देने के लायक हो सकते हैं।
बोले ये बताओ आपके पति का क्या नाम है? बोले श्री सुदामा जी। बोले वो तो वही सुदामा जी, अरे जिनके मित्रता के चर्चे पूरे संसार में हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो श्री कृष्ण है वो द्वारका के राजा है। बोले महाराज, बोले आपके पति, आप अपने पति से कहिए ना कि वो द्वारका जाएं, वो अपने मित्र के पास जाएं। महाराज संसार उनके गुणगान गाता है कि कृष्णस्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मैव तम बृहत्तम इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तिमाजितेन्द्रियः। महाराज कृष्ण के सखा, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, महाराज संसार गुणगान गाता है, इसलिए आप अपने पति को वहां भेजो। पति देव आए, सुदामा जी आए, सुदामा जी को जो टूटा फूटा भोजन था वो कराया, पैरों की सेवा करते हैं। बोले प्रभु एक बात पूछे। बोले क्या? बोले प्रभु हमने सुना है कि आपके सखा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। अरे बोले देवी क्या याद दिलाई, अरे हम तो बचपन के सखा हैं और हमारे जैसी मित्रता तो किसी की हो ही नहीं सकती है। तो बोले प्रभु एक बार आप द्वारका को चले जाओ। बोले देखो देवी, वो अपने द्वारका के राजा हैं, हम अपनी कुटिया के राजा हैं, और हम कोई काम होगा कोई बुलाएगा तब जाएंगे ना। बोले अरे एक बार हुआ हो, तुम्हें याद नहीं आती? बोले देवी याद तो बहुत आती है। बोले महाराज याद तो बहुत आती है, इसलिए आप एक बार चले जाओ। बोले देखो कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहली जगह मंदिर में, चाहे पुष्प ले जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरी जगह गुरु के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरी जगह बेटी के घर, बहन के घर। बेटी के यहां आप जा रहे हैं, सुबह से बिटिया तैयारी कर रही, आज हमारे पिताजी आ रहे, आज हमारे चाचा जी आ रहे, आज भैया आ रहे, और भैया चाचा पिताजी ऐसे मुंह उठा के पहुंच गए, सास का कतफर। बोले सुबह से लगी थी, पापा आ रहे, भैया आ रहे, बोले धोत दे गए धल्ले भीतर, धोत दे गए वो दे गए। इसलिए प्यारे कुछ ना कुछ लेकर जाएं मित्र के घर। महीनों बाद सालों बाद किसी अपने मित्र के घर जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, क्योंकि छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन्हें वो तुम्हारे खाने की भूखे नहीं होते हैं, उन्हें एक आशा होती है कि हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं। बोले आज आपको पता है कि वो मेरे मित्र हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। बोले महाराज हम व्यवस्था कर देंगे। महाराज तीन जगह गई और थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी चावल ले आई, चावल को एक फटी हुई पोटली में महाराज लपेट दिए महाराज और बांध दिए। उन्हें पता है कि मेरे पति कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए उसमें पत्र लिख दिया। महाराज किस कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोय उर्षा हमारी कुटी में प्रतिदिन ग्यारस हो। लोगों के घर में तो ऐसी कृपा है महाराज कि एक माह दो पागो में दो एकादशी होए, और मेरे घर प्रभु ऐसी कृपा कि निज निज एकादशी होए। महाराज
एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर ऐसी कृपा कि प्रभु नित नित ग्यारस होए। मेरे प्रभु एक महीने में दो एकादशी होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो प्रभु रोज एकादशी होती है। पत्र में लिख दिया प्रभु, हरि बोल श्री अभिषेक।